हमारा जो Ahrefs टूल है हम उस पर आ गए हैं। यहाँ से हम अपना जो कीवर्ड है वो सर्च करेंगे। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारे पास ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, ये यूट्यूब, अमेजोन, बिंग, यानी कि इनके रिलेटेड भी हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फ़िलहाल के लिए हमारा जो मेन काम है, हमने गूगल के लिए जो कीवर्ड है वो सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे एक रैंडम सा जो है वो निच सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब हम इसको सर्च करेंगे। देखें, ये बहुत हार्ड कीवर्ड है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट करना है वो हमारे पास जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड किस तरह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास भी कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं, हम इनको चूज़ कर लेंगे। हैविंग सेम टर्म्स पे हम चलते हैं, हमारी जो सर्चेज हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। ये हमारे पास कुछ सर्चेज शो हो रही हैं, इनको कम करने के लिए हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इनको सेलेक्ट करेंगे और इनसे बेनिफिट जो है वो हासिल करेंगे। यहाँ पे हम मिनिमम में 0 लगा देते हैं और मैक्सिमम में हमारे पास 10 है। ये KD का मतलब क्या है, हमारी जो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी है इसका मतलब ये है कि हमारा कीवर्ड कितना डिफ़िकल्ट होगा। इसके कुछ रिजल्ट शो होंगे, ये देखें, पहले से रिजल्ट्स जो हैं वो कम शो हो रहे हैं हमें। हमने इन रिजल्ट्स को थोड़ा और कम करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो वर्ड है काउंट, वर्ड काउंट, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारा जो मेन जो हमारा कीवर्ड होना चाहिए वो तकरीबन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसके तकरीबन 4 फ्रेजेस होते हैं या इससे ज़्यादा भी होते हैं। हम यहाँ मिनिमम में रख लेते हैं, 4 फ्रेजेस रख लेते हैं। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो सर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो कितने शो हो रहे हैं। देखें, थोड़े कम शो हो रहे हैं उससे। एक और काम करते हैं, हम यहाँ से जो कुछ कीवर्ड्स हैं ना, ये बहुत मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ हम कौन से कीवर्ड्स जो है वो इंक्लूड करेंगे। इन कीवर्ड्स से भी हमारा जो ये जो सर्च है ये थोड़ा इस पर इफ़ेक्ट होगा। हम यहाँ इंक्लूड करते हैं कुछ कीवर्ड्स जिनमें हमारे पास एक जो है वो बेस्ट का कीवर्ड है, जो एक कमर्शियल कीवर्ड, एज अ कमर्शियल कीवर्ड यूज होता है। हाउ टू भी हम यूज़ करेंगे, उसको हम नेक्स्ट फर्दर यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे बेस्ट का कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ। हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी सर्चेस शो हो रही हैं। देखें, ये हमारे पास 2263 कीवर्ड्स जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं। ये देखें, इनका वॉल्यूम, इनकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 674। हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अब ये देखें, शीट हमारे पास पूरी आ गई है। अब हमने, हमारा जो नेक्स्ट काम है ना वो ये है कि हमने इनको, हमने ऐसा नहीं करना कि हमें जो टूल्स के टूल के थ्रू हमें जो कीवर्ड्स मिल गए हैं बस जी हमने उनको उठा लेना है। हमने इनको मैन्युअली, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि मैन्युअली हमने इनको गूगल में चेक करना है, ठीक है। हम इनको कॉपी करेंगे, इस कीवर्ड को हमने कॉपी करना है, ठीक है, और हमने यहाँ में गूगल में हमने इसको सर्च करना है। ये देखें, हमारे पास बेतहाशा रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, आल इन टाइटल। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे हमें ये हमारा ये बेनिफिट हमें होगा कि जो हमारा जो हमें पेज है ना, ये वो जो है वेबसाइट्स शो करेगा जिनके टाइटल में जो ये मेन कीवर्ड है ना हमारा, ये यूज़ हुआ होगा। हम इसको सर्च करते हैं, 619, ये हमारे लिए जो कीवर्ड है ये हार्ड है, हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। इस पर हमारा जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। हम दूसरे कीवर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम कोई रैंडम सा उठा लेते हैं, कोई सा भी उठा लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। ये बेस्ट लैपटॉप फॉर डिजिंग, हमने इसको
यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके हमने आर इन टाइटल के आगे हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स, काबिल कबूल रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ पे नहीं ख़त्म होगा। हमारा नेक्स्ट काम ये होगा, ठीक है, हमारे पास जो सर्चेज हैं वो आ गई हैं, 182 आ गई हैं, यानी कि जो वेबसाइट्स हैं तकरीबन 18 वेबसाइट्स हैं, उन्होंने अपने जो टाइटल हैं उनमें ये जो कीवर्ड है वो यूज़ किया है, यानी कि हम लिख सकते हैं इस पर। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि हमारे पास सर्चेज 200 से कम, 150 या कुछ इस तरह, इनके दरमियान होनी चाहिए हमारे पास जो सर्च है। अब हमारा जो मेन काम है ना, हमने चलना है अपने टूल में,